अब हम फटाफट से आलू टिक्की बनाते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि हमने जो आटा है वो अरारोट ये सारे मिश्रण जो है हमने कर लिए हैं। हल्का सा घी जो है यहाँ से भी तवा गर्म नहीं है, इसमें सावधानी बरतें। आपको देखना होगा कि आपका तवा ज़्यादा गर्म है तो आप ऐसे हाथ न लगाएं, अभी हल्का ठंडा है तो मैं ईज़िली इसमें हाथ लगा रहा हूँ और मैंने ये गोली बनानी शुरू कर दी है। ये जो मेरी गोली है, सॉरी फॉर दैट कि मेरे पास कोई सुविधा नहीं है अकेले से वीडियो बनाने का, एक माध्यम है, अदरवाइज़ आपको बहुत बढ़िया तरीके से दिखाता, लेकिन फिर भी आपको मैं क्या करता हूँ पहले तक आप ये, हमने इसको इस तरह से राउंड शेप दी है और अब हम इसको हल्का सा घी लगाने के बाद ये चिपचिपा नहीं होता, हाथ पे चिपकता नहीं है। और अब हम अपनी आलू टिक्की को तवे के ऊपर इस तरह से रख रहे हैं, हल्का सा इसको हम दबा रहे हैं ताकि पूरी तरह से पके, ये कच्ची ना रहे। हल्का सा हम इसको ब्राउन होने देंगे। एक अच्छा चिमटा लेंगे हम, उसकी सहायता से हम इसमें घी पूरा लगाएंगे। और अच्छा, अगर आपने डिज़ाइन बनाना है तो चिमटे पर जो आकृति बनी है उससे आप इसको पिंच कर सकते हैं और ज़्यादा डिज़ाइन में लाने के लिए, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है वैसे। अब ये टिक्की का साइज़ पहले से बड़ा हो चुका है और इस तरह से हल्का ब्राउन होने के बाद एक इसमें पलटा और मारेंगे हम। मैं आपको दिखा देता हूँ।